हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। छत्तीसगढ़ की खबर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बगावत की मार खा चुकी कांग्रेस अब ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में नाराज धड़ों को मनाने के लिए सीएम भूपेश बघेल दो दिन से बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। आनन फानन में 15 विधायकों का प्रमोशन भी कर दिया गया है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। एक तरफ राजस्थान में अपनी ही सरकार को गिराने में जुटे कांग्रेस के बागी नेता और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 15 कांग्रेस विधायकों की संसदीय सचिव पद पर नियुक्ति। इन्हीं दो तस्वीरों को जोड़कर कहा गया है कि राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का एक खेमा नाराज था, जिससे मनाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने 15 विधायकों को मलाईदार पद बांटे। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर में कांग्रेस में विद्रोह हुआ है और उसका परिणाम है कि वहां का आलाकमान, कांग्रेस के आलाकमान ने आनंद फानन में जो है इनको स्वीकृति दी है, यही कांग्रेस पार्टी, यही भूपेश बघेल जी है। जब भारतीय जनता पार्टी संसदीय सचिव बनाई थी तो उस समय में पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो इनका कथनी और करनी में अंतर है। हालांकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को जायज ठहरा रही है, साथ ही बीजेपी को आगाह कर रही है कि वो राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला खेल छत्तीसगढ़ में ना खेले। ये किसी गलत फहमी में ना रह जाए, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ है, वो पूरी बुरी तरह से हार के धूल चाट के गए हैं, अभी तो उनको संभलने में 10 साल लगेंगे। ऐसा भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच कई मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। सरोज पांडे और रमन सिंह तो कई बार खुलकर कांग्रेस सरकार में आपसी मतभेद का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि ना तो सीएम भूपेश बघेल और ना ही टीएस सिंहदेव ने अब तक खुलकर कोई बात कही है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कोई पद नहीं मिलने से छत्तीसगढ़ में भी विधायकों की नाराजगी बढ़ने लगी थी, जिसे वक्त रहते संभालने की कोशिश की गई है।